ये है एप्पल का सबसे सस्ता कंप्यूटर। फ्रंट में देखो भाई एप्पल का लो लग रखा है, साइड में भाई काफी पतला सा है, सिंगल हाथ में ऐसे पकड़ लेता हूँ। बड़ी वाला रेड से शूट करी हुई 8K वीडियोस रेंडर कर लेता है, गेमिंग खेल लेता है, और ये सब मेरी हाथ की मुट्ठी में। बिल्कुल मजाक नहीं, डब्बा में तो उंगली से उठा सकता हूँ। एप्पल ने कुछ साल पहले भाई अपना मैक मिनी रिलीज करा था, मैंने प्रेजेंटेशन में देखा, दिखने में ज्यादा फर्क नहीं। उसके अंदर एप्पल का M1 था, इसके अंदर भाई और अपग्रेड कर दिया, और अभी अच्छे खासे भाई हैवी ग्राफिक लैपटॉप 1.5-2 लाख रुपए के लैपटॉप्स को आराम से बीट कर रहा है। क्या मजाक है भाई, टेस्टिंग करनी पड़ जाएगी भाई। जितना बड़ा डब्बा है ना भाई कंप्यूटर के अंदर, भाई पावर सप्लाई और ग्राफिक कार्ड आते हैं। एप्पल वो फ्रंट में चमक रहा है भाई, पीछे की तरफ पोर्ट वोट है। हमारे पास एक छोटी सी हार्ड डिस्क है, वो इससे ज्यादा बढ़िया है यार। ये बड़ा वाला स्टिकर आ गया, ओवरले इसके नीचे लगा ले। कोलैबोरेशन ये वाली केबल दे रखी है, अच्छी खासी भाई, मोटी लंबी केबल। ये वाला है पुराना मैक मिनी और ये वाला है नया मैक मिनी। इसमें भी साइड पूरी सफाट एप्पल का लोगो लग रखा है, लेफ्ट साइड भी पूरी सफाट है, राइट साइड भी पूरी सफाट है। इसको साइड बाय साइड अगर मैं ऐसे रख दूं कोई फर्क नहीं बता पाया, पर अंदर पूरी काया पलट है। बैक साइड में देखो पोर्ट वोट सेम है, हमारे पास थोड़ा महंगा वाला वेरियंट है तो इसमें 2 पोर्ट एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। बेसिकली देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा कुछ है नहीं, नीचे भी अगर देखो दोनों में मैक मिनी लिख रखा है, दोनों सेम टू सेम। ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट है ये M2 Pro के साथ है, बट इसका जो बेस वेरिएंट है वो एप्पल के M2 के साथ आता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है। पूरी अगर मैं इसे फील करूं, एल्यूमिनियम की बॉडी है, नीचे की साइड पे पूरा प्लास्टिक है, बट एल्यूमिनियम से सही होता है, हीट वीट भी ट्रांसफर होती है। बैक साइड पे पंखे हैं, यहाँ पे इंटरनेट का लगा लो, यहाँ पे पावर बटन लग जाता है, यहाँ पे अपने थंडरबोल्ट पोर्ट है, 4 HDMI USB-C, हेडफोन लगा लो। डीजे राजेश, उंगली बैलेंस हो सकता है भाई, बैलेंस हो नहीं रहा मेरे से उंगली। एक चीज और आप नोटिस करोगे भाई, एप्पल ने पहली बार ऐसा करा है कि भाई परफॉर्मेंस बढ़ा दिया एक प्रोडक्ट की, प्राइस कम कर दिया है। बट ऐसे इंडिया के बाहर है, इंडिया में बढ़ाया नहीं है, सेम है, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जिस प्राइस के हिसाब से वो परफॉर्मेंस है, बट डेफिनेटली तगड़ी दिखने में भाई। आपको सेटअप बॉक्स वाली फील देगा, या छोटे मिनी स्पीकर की फील देगा, या फिर जो डीवीडी ड्राइव आती थी ना भाई पुराने जमाने में, भाई उसकी भी फील देता थोड़ी। बट एक चीज डेफिनेटली भाई, पुराने वाले 100 ग्राम ज्यादा भारी। ये वाला 256 GB स्टोरेज से स्टार्ट होता है, हमारे पास जो वेरियंट है भाई एकदम ही भारी भरकम 4 TB वाला वेरियंट है। बाकी जितनी चीजें होती है भाई, Wi-Fi 6 लगा रखा है भाई, ब्लूटूथ माउस लगाना है, हेडफोन लगाना है, वो बढ़िया चलेगा। स्पीकर है बस, पुराने वाले में जो थे उसमें भी सेम है, मतलब बस किसी चीज में आवाज है कि नहीं है ये पता चल जाता है। इसमें एप्पल ने जानबूझ के अच्छे स्पीकर नहीं डाले, क्योंकि आप अलग से खरीदो स्पीकर एप्पल के। होम पॉड मैक मिनी भाई एप्पल का सबसे छोटा सबसे सस्ता कंप्यूटर है, मैं इसको कभी रिव्यू नहीं करा, बट इस बार भाई ये छोटा नहीं रहा, दिखने में छोटा है बट इसकी परफॉर्मेंस बड़ी हो चुकी है। जब से एप्पल की M1 चिप्स आई है भाई, जो मेरा लैपटॉप भी है इसकी भी काया पलट हो गई है। लेयर्स डॉट शॉप अच्छी स्किन आती है। M1 में बहुत ही बड़ा चेंज था भाई, जो एकदम टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर थे उनको भाई M1 स्टार्टिंग सीरीज वाले बीट कर रहा था, और इसके अंदर भाई सेकंड जनरेशन M2 पुराने वाले से भी बेटर। हमारे लिए एक्साइटिंग इसलिए भाई क्योंकि इतने छोटे साइज के अंदर और इतने कम प्राइस के अंदर ये परफॉर्मेंस आ रहा है, ये अलग सा है। यूजुअली एप्पल के प्रोडक्ट आते हैं, आप आईफोन खरीदो 1.5 लाख का फोन, उसको वैल्यू फॉर मनी बोलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये वाला भाई काफी डिफरेंट। इसमें भाई पैसे की वसूली हो रही है और एप्पल का लोगो भी आ रहा है। M2 Pro में 2 कॉन्फ़िगरेशन आती है, 8 कोर वाली, 10 कोर वाली, जो M2 चिप के साथ आती है, और 10 कोर और 12 कोर M2 Pro वाले चिप के साथ आती है। एप्पल ने अपने M2 Pro के साथ 20% बेटर परफॉर्मेंस प्रॉमिस करी, हम टेस्टिंग करके देखेंगे। और भाई जैसे कि देख सकते हो फोर्टनाइट में भाई 70+ FPS क्रॉस कर रहा है भाई। वैसे तो मैक OS भाई गेमिंग के लिए बनाया नहीं गया और चलती भी नहीं ज्यादा अच्छे से, बट इसमें बिल्कुल ही मक्खन चल रही है भाई। और जैसे कि देख सकते हैं कि भाई हमने सबसे हाई सेटिंग में लगा रखा है और बिल्कुल ही बिना फ्रेम ड्रॉप के बिना चल रही है। ओ भाई ये ले, तू भी ले, बट 6K रेंडरिंग टेस्ट भी करेंगे, और जैसे कि देख सकते हो 6K वीडियो भी आराम से एडिट कर पा रहा है, चाहे जितना भी इफेक्ट ट्रांजिशन लगा लो बिल्कुल भी अटक नहीं रहा, और टाइम लाइन पे बिल्कुल ही इजिली एडिट हो जा रहा है। रेंडरिंग टेस्ट के लिए हमारे पास है मैक मिनी और M1 मैकबुक एयर। ये मैक मिनी 60,000 रुपए का आता है और मैकबुक एयर M1 80,000 से 90,000 रुपए का। भाई देखते हैं किसमें आता था मैं। जैसे कि देख सकते हैं कि भाई मिनी भाई ने तो मैकबुक एयर को इजिली बीट कर दिया, 5 मिनट की 6K फुटेज 40 सेकंड में एक्सपोर्ट कर दिया भाई। मैक मिनी पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है, और 60,000 के प्राइस पॉइंट पे भाई एप्पल के मामले में तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इन जनरल भी भाई मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल 60,000 में यही आएगा। बस इसमें विंडोज वाली चीजें नहीं चलेंगी। परफॉर्मेंस के मामले में भाई 12 कोर वाला मैक मिनी मैकबुक एयर M1 मैक मिनी M1 सबको बीट करता है, M1 वालों को भाई आराम से बीट कर रहा है। अगर आपको इस मैक मिनी के साथ PC सेटअप करना है तो आपको 8,000 से 10,000 रुपए का मॉनिटर लगेगा, 5,000 रुपए में माउस कीबोर्ड स्पीकर आ जाएगा, और 75,000 से 80,000 में अच्छा खासा सेटअप आपका सेट हो जाएगा। M2 वाली जो चिप है उससे आप 2 मॉनिटर लगा सकते हो, और M2 Pro वाली जो चिप है उससे आप 3 मॉनिटर लगा सकते हो, जिसपे आप फोटो वीडियो एडिटिंग गेमिंग जितनी भी चीजें करनी है सारी चीजें मस्त। देखो एकदम सीधी सीधी बात बताऊं, ये 60,000 रुपए का आता है और कोई भी लैपटॉप इसको भाई बीट नहीं कर सकता इसकी परफॉर्मेंस। अगर आपको प्रो ग्रेड कुछ भी काम करना है भाई, वीडियो एडिटिंग ग्राफिक्स और ये सारी चीजें, डेफिनेटली भाई आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और आपके पैसे अच्छे खासे वसूल हो जाएंगे। बट इसमें बस 3 दिक्कत है। एक, इसमें एप्पल के सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो एप्पल पे चलते हैं वही चला सकते, विंडोज के काफी सारे सॉफ्टवेयर एप्पल में कंपेटेबल नहीं होते, एप्पल पे जो कंपेटेबल सॉफ्टवेयर है वही चलते हैं। ये तो आपको जो एप्पल लोग ले रहे हैं उनको वैसे पता
चलता भी रहता है। दूसरी चीज, जब इसको खरीदोगे लैपटॉप के साथ क्या होता है, आपने इसे पकड़ा उठा के दूसरे कमरे में चले गए मेट्रो में बैठ गया, इसको मेट्रो में नहीं ले जा पाओगे भाई, को रखना पड़ेगा। वैसे हल्का सा है पर इसका जो मॉनिटर है वो आपको अलग से चाहिए पड़ेगा, फिर केबल HDMI माउस कीबोर्ड स्पीकर ये सारी चीजें आपको अलग से लेनी पड़ेगी। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस है बट भाई गेम वेम नहीं चल पाती, कुछ ही गेम्स है Fortnite चलते हैं बहुत तगड़ी चलती है। तो ये बस तीन दिक्कतें, अगर आप एकदम सब सस्ता लेना चाहो तो मेरे ख्याल से यार 20,000 में आ जाता, नहीं तो अपने टीवी को ही बना लो मॉनिटर और 500-500 रुपए के भाई माउस कीबोर्ड लेके काम चल जाएगा और ईयरफोन लगा लेना मोबाइल फोन वाले। थोड़ा खुराफाती अगर आप अपना दिमाग चलाना हो तो भाई डेफिनेटली भाई एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक काफी सस्ते मिलने वाला एप्पल का कंप्यूटर है। अगर आपको एडिटिंग करनी है कोई प्रोग्रेड काम है भाई डेफिनेटली मजा आएगा, हमको ही काफी ज्यादा मजा आएगा।